हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का कोहराम जारी। शनिवार को दरभंगा जिले में 7 पॉजिटिव मिले। वैक्सीनेशन में भी तेजी, लेकिन संशय की स्थिति। बहेड़ी में वैक्सीनेशन के बाद एक व्यक्ति की संदेहास्पद मौत के बाद हंगामा। पोस्टमार्टम के बाद हुए लोग शांत। कोरोना की काली याद। एक वर्ष पूर्व 3 अप्रैल 2020 को घरों में कैद थे लोग। रुक गया था चक्का। दरभंगा को कोरोना से बचाने का चल रहा था सामूहिक प्रयास। और दरभंगा हवाई अड्डा पर एक यात्री के बैग से जिंदा कारतूस मिलने के बाद खंगाला जा रहा उसका इतिहास। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ रीड हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरिया सराय। खुल गया, खुल गया, खुल गया लोन पे फोन। सिद्धि मोबाइल मॉल लोन पे फोन 0% ब्याज पर ओप्पो, नोकिया, सैमसंग सहित सभी कंपनी के मोबाइल उपलब्ध हैं। मूसा शाह सिटी सेंटर टावर चौक। मोबाइल नंबर 8292227569। तो आज ही लीजिए लोन पे फोन 0% ब्याज पर। और अब समाचार विस्तार के साथ बात करते हैं कोरोना के कहर की ही, कोरोना के कोहराम की। शनिवार को जांच में 7 कोरोना पॉजिटिव मिले दरभंगा के, इससे हड़कंप मच गया। दूसरी ओर कोरोना वैक्सीनेशन में भी तेजी जारी है। 7,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगा, लेकिन बहेड़ी में वैक्सीनेशन के बाद एक व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में हुई मौत के बाद वहां हंगामा हो गया। हालांकि लोगों को शांत करने के लिए और कारण क्या है, हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इस मौत से वैक्सीनेशन का कोई मतलब नहीं है, फिर भी लोगों को संतुष्ट करने के लिए उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। बहरहाल वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी जारी है। उप मुख्यमंत्री की बहन, रेणु देवी की बहन रंभा देवी ने भी दरभंगा में वैक्सीनेशन लिया। कई अन्य लोगों ने भी उनके साथ वैक्सीन ली। कोरोना का कहर, कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। शनिवार को दरभंगा जिले के 7 पॉजिटिव मिले। एक शहर के पॉजिटिव मिलने से जो मध्य में है हड़कंप मच गया। उसके रिश्तेदार एक शिक्षक हैं और वो भी सामूहिक परिवार में रहते हैं। जेपी चौक प्राथमिक विद्यालय के पास वे जब पहुंचे तो इसकी सूचना पर विद्यार्थियों में घबराहट हुई और अंततः जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचना के बाद उक्त स्कूल को तत्काल बंद कर दिया गया है और शिक्षक को घर में क्वारंटाइन कर दिया गया है। हालांकि उनके रिश्तेदार की तबीयत बिगड़ी, जिन्हें गंभीर अवस्था में कोरोना वार्ड दरभंगा में भर्ती कराया गया है। ये कोरोना का कहर है, कोरोना का कोहराम है। लगातार कोरोना के बढ़ते मरीज, जबकि टेस्टिंग उस अनुपात में नहीं हो रही है। ऐसी परिस्थिति में 7 पॉजिटिव मरीज मिलना, और अगर हम बगल के जिला समस्तीपुर की बात करें तो वहां राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में 3 दर्जन कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पूरे विश्वविद्यालय परिसर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में महाराष्ट्र और पंजाब से आया कोरोना का लहर कहर बनकर उसकी परछाई, उसकी छाई बिहार में भी पड़ रही है। होली में कई लोग लौटे, इससे कोरोना संक्रमण बढ़ा है। और ऐसी परिस्थिति में फूक फूक कर कदम रख रहा है प्रशासन, सरकार के निर्देश का पालन, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं और ये हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। दूसरी ओर वैक्सीनेशन की भी प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। 71 केंद्रों पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है। शनिवार को भी 7,000 से अधिक लोगों ने वैक्सीन लिया, लेकिन बहेड़ी में वैक्सीनेशन के बाद एक संदेहास्पद मौत के बाद हड़कंप मच गया। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन लोगों को शांत करने के लिए उस सब का पोस्टमार्टम करा दिया गया है।
बहरहाल वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार सतर्क है। वैक्सीनेशन और मास्क, सोशल डिस्टेंस, हाथ सफाई, यही कोरोना से लड़ने का सबसे बड़ा अस्त्र है और इसी के सहारे कोरोना को पार किया जा सकता है, कोरोना से बचा जा सकता है, लड़ा जा सकता है। मालूम रहे कि दरभंगा जिले के में 71 मौत हो गई है। दो दिन में तो मौत नहीं हुई, लेकिन पिछले 3 दिनों में 3 मौत के बाद कोरोना का ग्राफ बढ़ा। पहली अप्रैल को भी एक मौत हुई थी और अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो 4300 का पार कर चुका है। अप्रैल महीना है, पहली मौत 6 जून 2020 को हुई थी। 31 दिसंबर 2019 को वुहान में पैदा हुआ कोरोना ने 2020 को पूरी तरह एक तरह से थमा दिया, रोक दिया। संघर्ष का वर्ष 2021 में कोरोना से निकलने की छटपटाहट, उसमें कुछ सफलता, लेकिन दूसरी ओर कोरोना अपना कहर भी बरपा रहा है और ऐसी जगह जहां हम बेफिक्र हो रहे हैं, लापरवाह हो रहे हैं, कोरोना अपना काम कर रहा है। शनिवार को राजेंद्र भवन में भी कोरोना का वैक्सीन लगा। उप मुख्यमंत्री की बहन रेणु देवी ने भी वैक्सीनेशन ली। वार्ड पार्षद मधुबाला सिन्हा सहित दर्जनों लोगों ने कोरोना का वैक्सीन लिया। कोरोना की कालिया, जी हाँ, एक वर्ष पहले ठहर गई थी दुनिया, घरों में थे लोग, रेल का था चक्का जाम और 10 दिन लॉकडाउन होने के बाद अगले 11 दिन किस तरह बीतेगी इसकी तैयारी। लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे। 3 अप्रैल 2020 कोरोना की वो कालिया जिसमें ठहर गई थी दुनिया। बीटीएन न्यूज के फाइल में, पन्नों में आइए हम खंगालते हैं और अगर हम उससे सबक न लें तो लॉकडाउन की स्थिति फिर हो सकती है। महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक में कोरोना का लहर कहर की झांकी झोंके। इधर भी बिहार में और प्रशासन की सतर्कता के बावजूद कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। शनिवार को एक व्यक्ति के पॉजिटिव होने के बाद उसके रिश्तेदार जो स्कूल में शिक्षक है वे वहां आ गए और वहां भी हड़कंप मच गया। आनन फानन में शिक्षा विभाग को सूचना दी गई और तत्काल स्कूल अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। उप शिक्षक को क्वारंटाइन कर दिया गया है। दरभंगा शहर का यह मामला। 3 अप्रैल 2020 बीटीएन न्यूज के पन्ने में खंगालते हैं एक वर्ष पूर्व की याद। ये दृश्य 2020 3 अप्रैल का है जब ठहर गई थी दुनिया, घरों में रहने को मजबूर हो गए थे लोग। कोरोना का ये कहर था, कोहराम था। 25 मार्च को लॉकडाउन लगा था, तैयारी थी कि कोरोना किसी तरह दरभंगा में ना आए। चारों तरफ रत जगा, कोई रिश्तेदार किसी के यहाँ ना आए। प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी 25 मार्च के बाद जो जहाँ है 21 दिन के लिए वहीं ठहर जाए। 10 दिन बीत गया था, 11 दिन और काटने का इंतजार। ये कोरोना का कहर, कोरोना का कोहराम था। रामनवमी तक पर रोक लग गई थी, 5 लोगों ने ही मात्र झांकियां निकाली थी। बाइक से आने जाने वालों से भी प्रशासन पूछताछ कर रहा था, आप आवश्यक सेवा में ही जा सकते हैं, कहां जा रहे हैं, रुक जाइए। जी हां, कोरोना का कहर, कोरोना का कोहराम। 3 अप्रैल 2020 को वो काली याद जिसे याद करना जरूरी, संभलना जरूरी, सबक लेना जरूरी, क्योंकि महाराष्ट्र, पंजाब और अन्य राज्यों में कोरोना का कहर इतना बढ़ गया है कि अगर दो तारीख की बात करें तो 90,000 का आंकड़ा पार कर गया। ये कोहराम है कोरोना का। 700 से अधिक मौत देश में हो चुकी है। दरभंगा में 71 मौतें हो चुकी है। 2 दिन मौत नहीं हुई, लेकिन 3 दिन पहले 3 दिन में 3 मौतें हो चुकी है और 7 पॉजिटिव शनिवार को निकले हैं। ये कहर है कोरोना का। इसलिए एक साल पहले 3 अप्रैल 2020 को हम कहां थे, संघर्ष कर रहे थे कोरोना से बचने के लिए, कोरोना आ न जाए दरभंगा में, इसके लिए लगातार पड़ोसी, आसपास अपने रिश्तेदारों से भी दूरी बनाकर सिर्फ आवश्यक सामग्री लेने के लिए आते जाते थे और जो अनावश्यक घर से निकलते थे प्रशासन के लोग उन्हें फटकारते थे, कहते थे वापस जाओ, घर जाओ, कोरोना को मत ले जाओ, घर में बूढ़े भी होंगे, बच्चे भी होंगे, उससे बचो।
और जो अगर माकूल जवाब नहीं दिए तो फिर कान पकड़ कर उठा बैठक कराते थे। ये कहर था 3 अप्रैल 2020 की यह कहानी। जी हां, कोरोना के कहर को समझना होगा, कोरोना के कोहराम को जानना होगा, याद करना होगा, ऐसी घटना ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि महाराष्ट्र में कई जगह लॉकडाउन और मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि लॉकडाउन की स्थिति बन रही है, कर्फ्यू भी कई जगह रातों का शुरू हो चुका है। ऐसा इसलिए कि हम कहीं ना कहीं लापरवाह हैं, मानते नहीं। जनवरी में कोरोना कमा, हमने समझ लिया वैक्सीन आ गया, कोरोना की विदाई हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। फरवरी में इसने फन उठाया, मार्च में इसने तेजी आई, अप्रैल में कहर बढ़पा रहा है, मामला 1 लाख प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव होने की स्थिति में है। ऐसा दृश्य ना आए, अनावश्यक ना निकले, अपनी जिंदगी की कीमत को समझिए, पड़ोसी से लेकर रिश्तेदार को के जान की अहमियत को समझिए, कोरोना को बैक रिटर्न्स ना आने दीजिए। बीटीएन न्यूज ने लगातार उस समय जो दृश्य दिखाया था, 1 साल बाद हम उस दृश्य को आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं कि उस दिन को याद कीजिए, वो काली याद है, एक गहरा घाव जिसे हम अरसों तक याद रखकर दे हमारा सिहरेगा, और हम उससे सबक लेकर जिंदगी की गाड़ी थमाकर हमने जो जिंदगी बचाई है उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कोरोना से जंग जारी है, कोरोना हारा नहीं है, वैक्सीन 16 जनवरी से है, वैक्सीनेशन में तेजी आ रही है, लेकिन एक वैक्सीनेशन के बाद 28 दिन के बाद दूसरा वैक्सीन, फिर 15 दिन और सतर्कता, तब जाकर आप कोरोना फ्री हो सकेंगे, कोरोना से आप बच सकेंगे। लेकिन वैक्सीनेशन जब तक आप लेते नहीं और 28 और 15 दिन गुजरता नहीं, तब तक आप लगातार हाथ धोते रहिए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, मास्क लगाइए, दूरी बनाइए, तभी कोरोना को भगा सकते हैं। जंग तभी जीती जा सकती है, सरकारी आदेश के पन्नों से जंग नहीं जीती जा सकती जब तक आपकी सहभागिता नहीं होगी, सरकार के आदेश का समर्थन नहीं होगा। अपने जान की कीमत, अपने पड़ोसियों की कीमत आप समझेंगे नहीं, यह दृश्य फिर आएगा, इसकी पुनरावृत्ति होगी, कोरोना कोहराम मचाएगा, ऐसा नहीं होने दीजिए। बीटीए न्यूज बार बार आपसे अपील करता है, कोरोना को हराना है, जंग जीतना है, तभी जब आपका साथ मिले। 1 साल की तपस्या, 1 साल के संघर्ष को व्यर्थ मत जाने दीजिए, कोरोना से जंग जीतना है, ये प्रण लेना है। शिकार
दरभंगा एयरपोर्ट से महानगर जा रहे एक यात्री के पास तीन जिंदा कारतूस मिलने के बाद कई सवाल है और उसका इतिहास आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। यात्रियों में दहशत है, हालांकि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होने के कारण ही उक्त कारतूस की पहचान हो पाई, बरामदगी हो पाई। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने कहा कि व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज की कर ली गई है, घर की तलाशी की जा रही है और उसका क्या लिंक है इस कारतूस से यह भी पता लगाया जा रहा है। दरभंगा एयरपोर्ट से महानगर जा रहा एक यात्री तीन जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के लिए उसे हिरासत में लिया गया। एयरपोर्ट पर जैसे ही गोली की सूचना मिली, दूसरे यात्रियों में दहशत का माहौल बन गया। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कारतूस के साथ पकड़ा गया यात्री दरभंगा के अलीनगर थाना क्षेत्र का निवासी रामविलास यादव बताया जा रहा है, जो शुक्रवार को दरभंगा एयरपोर्ट से प्लेन द्वारा यात्रा करने महानगर जा रहे थे और इसी क्रम में यात्रा से पहले जब इसके सामान की जांच की गई स्कैनर मशीन के द्वारा तो बैग के अंदर कारतूस देखा गया। इसके बाद इसकी जानकारी सुरक्षा में तैनात बिहार सशस्त्र पुलिस बल के डीएसपी को दी गई। यात्री के समक्ष बैग को जब खंगाला गया तो बैग के अंदर से पिस्टल की तीन गोली बरामद हुई। इसके बाद आरोपी को पकड़कर सदर थाना की पुलिस के हवाले कर दिया गया। मालूम रहे कि इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने कहा है कि दरभंगा एयरपोर्ट से एक पैसेंजर यहां से महानगर की ओर जा रहे थे। स्क्रीनिंग के दौरान उसके बैग के अंदर से तीन गोली बरामद हुई थी और इस मामले में इन्हें पुलिस कस्टडी में भी ले लिया गया है। इस पर केस दर्ज किया गया है और इसके घर की भी तलाशी की जा रही है। हालांकि इसका आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा, इससे पूछताछ की जा रही कि यह गोली कहां से आई। इसके घर के पास स्थानीय लोगों से भी इस आरोपी के बारे में पूछताछ की जा रही है।
कई प्रकार की जानकारी भी दी जा रही है। इसके आपराधिक इतिहास के बारे में कुछ ऐसी भी बात है या नहीं, वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सदर थाने की पुलिस इसके आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है। इसके घर की भी तलाशी की जा रही है और इसके आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। एक पैसेंजर यहां से जा रहे थे, उनकी स्क्रीनिंग के दौरान सामान में बैग में 3 गोली बरामद हुई थी, लाइव कार्ट्रिज थे। इससे उनको कस्टडी में लिया गया है, केस दर्ज किया गया है और उनके घर की तलाशी ली गई है। अपराधी के इतिहास का पता लगाया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि गोली कहां से आई, किस परिस्थिति में इनके बैग में गोली बरामद हुई है और इनके घर के आसपास में स्थानीय लोगों से भी आसूचना संकलन किया जा रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने शराब कारोबारी को राजकुमार साह को गिरफ्तार कर लिया। घटना सिमली थाना की। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने शराब कारोबार के मामले में राजकुमार साह को गिरफ्तार कर लिया। घटना सिमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत कंसी गांव की है। बात करते हैं दरभंगा नगर निगम की। नगर निगम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। वार्ड संख्या 1 से लेकर 48 तक अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार साफ सफाई में रैंकिंग पाने के लिए प्रयासरत है। दिन से लेकर रात तक हो रही है सफाई और नगर आयुक्त का कहना है कि जो क्राइटेरिया है, जो आदेश है, उसके तहत शहर को चकाचक रखना है। दरभंगा नगर निगम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। वार्ड संख्या 1 से लेकर 48 तक अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार दिन रात साफ सफाई पर ध्यान दिया जा रहा। स्वच्छ शहरों की सूची में दरभंगा नगर निगम का नाम शामिल हो सके, इस हेतु नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना, महापौर बैजंती देवी खेरिया प्रयासरत हैं। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की मासिक समीक्षात्मक बैठक जिला समन्वयक लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के मोहम्मद हसनैन अनवर की अध्यक्षता में आयोजित। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की मासिक समीक्षा बैठक जिला समन्वयक लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के मोहम्मद हसनैन अनवर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का समीक्षात्मक बैठक हो रहा है, मंत्री बैठक होती है। इसमें अभी हम लोग का वित्तीय वर्ष 2020-21 खत्म हुआ है और उसमें क्या प्रगति हम लोग की रही है और उसका रिपोर्ट फाइनल हम लोग कर रहे हैं अभी। इसके अलावा 2021-22 में नई योजना पे हम लोग काम शुरू करनी है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे कार्य योजना एक तरह का बना रहे हैं, उस पर हम लोग आगे काम करना है। और इसीलिए सभी प्रखंड समन्वयक लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, इसके साथ साथ जितने भी कार्यपालक सहायक हैं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के, उन दोनों में हम लाया गया और इसी तरह बैठक की जा रही है। प्रगति हम लोगों ने 2021 में जो भी हम लोग का लक्ष्य था उसको हम लोगों ने पूर्ण किया है और जो भी शेष काम बचे हुए हैं उसको हम लोग अतिशीघ्र कंप्लीट करेंगे और इसके लिए हम लोग कार्य योजना पे भी काम कर रहे हैं। आगे का विभाग से भी हम लोग को निर्देश प्राप्त होगा, फिर उसके आगे हम लोग काम करेंगे। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। अब जूनियर क्लास यानी क्लास 7 से लेकर 12th की बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ नेशनल लेवल के एग्जाम जैसे नीट और जेई का प्रिपरेशन करें आइडियल पाथ के साथ। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित। हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध। उमा सिनेमा के सामने गोरा डिजाइनर की बिल्डिंग में नाका 5 के निकट दरभंगा। मोबाइल नंबर है 9308296082 एवं 8409833709। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available.
पर 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक सैदनगर एक्मी रोड लहेरा सराय दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कोहराम जारी। शनिवार को दरभंगा जिले में 7 पॉजिटिव मिले। वैक्सीनेशन में भी तेजी, लेकिन संशय की स्थिति। बहेड़ी में वैक्सीनेशन के बाद एक व्यक्ति की संदेहास्पद मौत के बाद हंगामा। पोस्टमार्टम के बाद हुए लोग शांत। कोरोना की काली याद। एक वर्ष पूर्व 3 अप्रैल 2020 को घरों में कैद थे लोग। रुक गया था चक्का। दरभंगा को कोरोना से बचाने का चल रहा था सामूहिक प्रयास। और दरभंगा हवाई अड्डा पर एक यात्री के बैग से जिंदा कारतूस मिलने के बाद खंगाला जा रहा उसका इतिहास। विभिन्न कांडों से संबंधित पुलिस विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने। विभिन्न कांडों से संबंधित पुलिस विभाग की मासिक समीक्षा बैठक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनोज कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। जो है हम लोग का जो है कि मासिक बैठक है, इसमें है कि एक माह में जितने भी हुए हैं कांड की समीक्षा किया जाता है और लंबित कांडों की भी समीक्षा किया जाता है। कांडों में निष्पादित और अपराध जिस सबको जितना है गिरफ्तारी हुई उसकी समीक्षा की जाती है। ऐसे इस विगत माह में जो है कि होली और छोटों का भी त्यौहार मनाया गया, लोगों ने काफ़ी अच्छा मेहनत किया जिससे शांतिपूर्वक त्यौहार व्यतीत हुआ। हिंदू नववर्ष चैत्र दुर्गा पूजा रामनवमी और हनुमान जयंती उत्सव सफलतापूर्वक मनाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया। हिंदू नववर्ष चैत्र दुर्गा पूजा रामनवमी और हनुमान जयंती उत्सव सफलतापूर्वक मनाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया। अभी इस अप्रैल माह में चैत्र महीना में 400 उत्सव लगातार है। पहले तो हिंदू नववर्ष है, नवरात्रा उसी दिन है, उसके बाद महापर्व रामनवमी है, उसके बाद हनुमान जयंती है और ये कोरोना काल की अवधि है। इस बीच में यह सब उत्सव कैसे मनाया जाए, इसके लिए हम लोग आज दरभंगा जिला बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की ओर से माननीय जिलाधिकारी महोदय से हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से जो बीते अभी हाल में ही होली और शब-ए-बारात एक साथ उत्सव मनाया, जिसमें हमारे दरभंगा जिला प्रशासन की बहुत ही अग्रणीय सहयोग मिला और बहुत ही सुंदर तरीके से और भव्य तरीके से खुशी के माहौल में दोनों उत्सव मनाया गया। अभी चैती दुर्गा पूजा रामनवमी हनुमान जयंती का उत्सव हम हिंदू समाज का होने वाला है। जिस प्रकार होली का उत्सव शांतिपूर्ण हुआ दरभंगा में, उसी प्रकार ये सब उत्सव भी शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए हम लोग जिला पदाधिकारी के माध्यम से बिहार सरकार को एक सूचनार्थ देने के लिए, ज्ञापन देने के लिए आए हैं। दधीची देहलाम समिति के मुख्य संरक्षक पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जो समिति के संरक्षक है और उन्होंने एक कार्यक्रम में भाग लिया। यहाँ दधीची परंपरा को सार्थक करने वाले समाज सेवी रक्तवीर प्रणव कुमार ठाकुर के घर जाकर उनकी पत्नी के देह दान करने पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। परिवार के सदस्यों को का आभार प्रकट किया गया। इस संदर्भ में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया और एनजीओ जो इस कार्य से जुड़े हैं और सामाजिक कार्य से उनके प्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया। वसुधा झा के द्वारा मृत्यु पश्चात पूर्व के फैसले के अनुसार देह दान करने को लेकर उनके पति प्रणव कुमार ठाकुर को सम्मानित करने लक्ष्मी सागर स्थित उनके घर दधीची देह दान समिति पटना की टीम पहुंची।
इस टीम में दधीची देहदान समिति के संरक्षक सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी शामिल थे। समिति के सदस्य ने पूरे परिवार से मुलाकात की। सुशील मोदी ने प्रणव ठाकुर और उनकी दोनों बेटियों से बात कर उनके मां के द्वारा देहदान आंख दान करने की प्रशंसा की। इस मौके पर बच्चों की आंखों से मां की याद आए, आंख से आंसू बहने लगे, परिवार के सदस्य भावुक हो चुके थे। मौके पर देहदान करने वाली वसुधा झा के पति प्रणव कुमार ठाकुर को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया एवं एक प्रशस्ति पत्र दिया गया। वहीं वसुधा झा के चित्र पर पुष्प अर्पित किया गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि दरभंगा निवासी प्रणव कुमार ठाकुर की पत्नी की मौत पिछले दिनों हुई थी, जिसके बाद पत्नी द्वारा पूर्व में किए गए संकल्प के अनुसार उनका देह दान किया गया। उन्होंने समाज को एक अच्छा मैसेज देने का काम किया है। उनके इस काम के लिए सम्मानित करने के लिए दधीची देहदान समिति की तरफ से पटना से टीम आई हुई है। मरने के बाद शरीर का कोई काम नहीं होता है, अगर यह किसी के काम आ जाए इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। प्रणव ठाकुर के परिवार ने जो काम किया उसे बिहार और देश याद रखेगा। मैं लोगों से अपील करता हूं कि जीते जी रक्तदान और मरने के बाद नेत्र अंग और देहदान करें। जो लोग देहदान नहीं कर सकते वे लोग नेत्रदान करें। बिहार में इससे लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। जब सरकार में था तो बिहार के अंदर 8 मेडिकल कॉलेज में आई बैंक बनाने का फैसला किया था। आई बैंक बनकर तैयार है, कोरोना के कारण क्रियाशील नहीं हो सका, जल्द ही यह आई बैंक क्रियाशील हो जाएगा। लोगों से नेत्र एवं देहदान की अपील करते हुए सुशील कुमार मोदी ने कहा कि देश में बड़ी बड़ी हस्तियों ने अपना देहदान किया है, लेकिन बिहार इसमें अभी बहुत पीछे है। वहीं वसुधा झा के पति प्रणव कुमार ठाकुर ने दधीची देहदान समिति एवं इसके सदस्य उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों की प्रेरणा से हम लोगों ने देहदान करने का संकल्प लिया था और आज वे लोग मुझे सम्मानित करने के लिए पटना से चलकर मेरे घर आए। निश्चित रूप से इससे मनोबल बढ़ा है। साथ ही मेडिकल कॉलेजों में जल्द आई बैंक क्रियाशील करने की बात कही गई है, वहीं रक्तदान को लेकर भी कई बातें हुई। दधीची देहदान समिति के मुख्य संरक्षक उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के साथ ही समिति के सचिव पद्मश्री विमल जैन एवं प्रांतीय समिति सदस्यगण दधीची परंपरा को सार्थक करने वाले समाजसेवी रक्तवीर प्रणव कुमार ठाकुर के घर पहुंचे थे। उन्होंने प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया और प्रशस्ति भी की, लेकिन दरअसल उन्हीं की प्रेरणा से हम लोगों ने ये काम किया था। वो खुद भी कर चुके हैं देहदान, तो उनके हम लोग बहुत ही आभारी हैं कि उन्होंने मनोबल बढ़ाने के लिए पटना से दरभंगा तक की यात्रा की, मेरे घर आए। इससे अच्छी और क्या बात होगी, हम लोग बहुत ही उनके आभारी हैं। आपकी जो इच्छा इससे कल उस दिन भी आप लोगों की इससे पूर्व भी बात की, मैंने यही कहा था कि वो आई बैंक हो जाता और संयोग से ऐसी हो गई बात, तो आई बैंक की स्थापना की बात उन्होंने कही है। सब कुछ हो गया है, सब कुछ प्रशासनिक शिथिलता है, उसके चलते जो भी हो वो अब उन्होंने कहा है, तो वो तो जो कहते हैं वो करते हैं। मंगल पांडे जी से बात कर ही चुके हैं और एक दो और छोटी छोटी बातें थी रक्तदान संबंधी, जो मोबाइल वैन हो जाए अगर तो वो बहुत ही अच्छा होगा, और या जो अभी सिस्टम है जिसमें कि रक्तदान करने के तुरंत बाद कार्ड नहीं मिलता है किसी भी रीजन से, उन लोगों का क्या सोच है। और भी छोटी छोटी बातें हैं, जैसे निगेटिव ब्लड ग्रुप है तो उसके लिए 2 यूनिट चाहिए, इस तरह की बातें होती रहती हैं। तो वो सब उनसे प्रार्थना है कि ये सब चीज़ जो है वो हम लोगों को ठीक कर लें। देखिए, दरभंगा निवासी श्री प्रणव कुमार ठाकुर जी की धर्मपत्नी की पिछले दिनों मृत्यु हो गई थी और इन्होंने अपनी पत्नी का देह दान किया। उनकी पत्नी ने भी संकल्प लिया था कि मृत्यु के बाद मेरे शरीर को मेडिकल कॉलेज को दान में दे दिया जाए। आज पटना से चलकर दधीची देहदान समिति की ओर से हम लोग आए हैं इनको सम्मानित करने के लिए। और देखिए, एक बहुत बड़ा मैसेज देने का काम किया उन्होंने समाज को।
मरने के बाद ये शरीर या तो गाड़ दिया जाएगा जला दिया जाएगा, इस शरीर का कोई उपयोग तो है नहीं। लेकिन अगर मरने के बाद भी शरीर अगर काम आ जाए इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए प्रणव ठाकुर जी ने जो किया, इनके परिवार ने जो किया है, बिहार और देश हमेशा इनके परिवार को याद रखेगा। और मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि जीते जी रक्तदान, मृत्यु के बाद नेत्रदान, अंगदान, देहदान। इसलिए जो लोग देहदान नहीं कर सकते नेत्रदान करने का संकल्प लें। बिहार में लाखों लोग ऐसे हैं जिनका कॉर्निया खराब है, अगर उनको नेत्रदान अगर लोग करते हैं तो वो नेत्र उनको ट्रांसप्लांट करने पर उनको एक नई रोशनी मिल सकती है। और बिहार के अंदर जो 8 मेडिकल कॉलेज हैं उन सभी मेडिकल कॉलेज में आई बैंक स्थापित करने का निर्णय लिया गया था जब मैं सरकार में था। आई बैंक बनकर तैयार हो गया लेकिन कोरोना के कारण जो है वो क्रियाशील नहीं हो पाया। इसलिए उनकी पत्नी का जो नेत्रदान हुआ तो उसके लिए टीम को पटना से आना पड़ा। तो मैंने मंगल पांडे जी से बात किया है और हम लोग का ये प्रयास होगा कि बहुत जल्द सभी मेडिकल कॉलेज में आई बैंक स्थापित हो जाए, क्रियाशील हो जाए, ताकि जो लोग नेत्रदान करना चाहते हैं उनको बगल के ही और मेडिकल कॉलेज में वो अपना दान कर सके। दधीची देहदान समिति के मुख्य संरक्षक पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, समिति के सचिव पद्मश्री विमल जैन एवं प्रांतीय समिति के सदस्यगण दधीची की परंपरा को सार्थक करने वाले प्रसिद्ध समाज सेवी रक्तवीर प्रणव कुमार ठाकुर के पत्नी के देहावसान पर दरभंगा पहुंचे थे और एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। वसुधा झा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रेगुलर रूप से होता है। एक कार्यक्रम बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किए जो आज मिथिलांचल में चल रही है, देह दान, अंग दान, ये सबसे बड़ी दान है। उसमें कई संस्थाओं को आमंत्रण किया गया जिसमें ब्लड बैंक, रोटी बैंक, कबीर सेवा संस्था, मिथिला स्टूडेंट क्लब, अन्य कई संस्थाओं को इसमें आमंत्रण किया गया। और ये बहुत अच्छी दरभंगा की एक पहल है जो देह दान मरने के बाद, मरने उपरांत वो अपने माँ हो, अपना फैमिली हो, किसी का भी हो, उसको दान देना चाहिए। उपस्थित हुए हैं, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपने जिस हिम्मत का काम किया है हम समझते हैं कि पूरा समाज इसके लिए आपको धन्यवाद और साधुवाद दे रहा होगा। और निश्चित रूप से हम सभी मिल करके वसुधा जी की आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। सब लोगों ने मौन भी धारण किया था और कहीं न कहीं ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में जगह दे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जनता दरबार लगाया गया लड़ियासराय थाना में जमीनी विवाद से संबंधित मामले को लेकर अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी की मौजूदगी में बैठक। जनता दरबार लगाया गया लहरियासराय थाना में जमीनी विवाद से संबंधित मामले को आपसी सहमति से निपटारा किया गया। अंचला अधिकारी और थाना प्रभारी मौजूद थे। इसमें से एक मामला निष्पादित है और दो मामला लंबित। क्या चीज का था? सब जमीनी विवाद। बिहार, उड़ीसा, झारखंड के इमारत सरिया एवं अमीर सरिया तथा पूर्व विधान पार्षद हजरत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी के निधन से कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। बिहार, उड़ीसा, झारखंड के इमारते सरिया एवं अमीरे सरिया तथा पूर्व विधान पार्षद हजरत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी का निधन हो गया। नचारी एवं मेहजबानी लिखने के अभियान के एक वर्ष पूरे होने पर लेखक संपादक मणिकांत झा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया शनिवार। नचारी एवं महेशवाणी लिखने के अभियान के एक वर्ष पूरे होने पर लेखक मणिकांत झा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें पहुंची थी मुख्य अतिथि के रूप में महापौर बैजंती देवी खेरिया।
पर वर्ष पूर्ण अभियान के नित्य नवल नचाड़ी लेखन के अभियान के आई वर्ष पूरल है। वही उपलक्ष्य में आई के कार्यक्रम आयोजित है और लगभग 2 दर्जन से बेसी कलाकार मिथिला मैथिली से जुड़ल लोग उपस्थित हैं, अपन वाणी से अपन गायन से लोग रिहा रहा है और हमारे बहुत रास विशिष्ट अतिथिगण हैं, जना महापौर आये छे उद्घाटन के लिए डॉक्टर वैद्य चौधरी बैजू है, डॉक्टर भीमनाथ झा जी है, डॉक्टर विद्यानाथ झा जी है, बहुत रास हमारे श्रेष्ठ गण हैं, वो लोग आबकर मनोबल बढ़ा रहा है। आज यह कार्यक्रम बहुत बहुत धन्यवाद। शहर में बहुत अच्छे कविता लिख रहे हैं और ये हर साल करीब 8-10 कविता ही लिखते हैं और इन पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है और ये भगवान की लाचारी है, कोरोना की किताबें हैं, महामारी फैली थी उससे है, ये बहुत तरह से किताबें लिखते हैं और हम लोग यही मनाते हैं कि इसी तरह ही आगे बढ़ते रहें और ये किताबें लिखते रहें और हम लोग शहर का नाम कोरोना का कोहराम जारी। शनिवार को दरभंगा जिले में 7 पॉजिटिव मिले। वैक्सीनेशन में भी तेजी, लेकिन संशय की स्थिति। बहेड़ी में वैक्सीनेशन के बाद एक व्यक्ति की संदेहास्पद मौत के बाद हंगामा। पोस्टमार्टम के बाद हुए लोग शांत। कोरोना की काली याद। एक वर्ष पूर्व 3 अप्रैल 2020 को घरों में कैद थे लोग। रुक गया था चक्का। दरभंगा को कोरोना से बचाने का चल रहा था सामूहिक प्रयास और दरभंगा हवाई अड्डा पर एक यात्री के बैग से जिंदा कारतूस मिलने के बाद खंगाला जा रहा उसका इतिहास। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक नमस्कार, जय हिंद।